हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डिजाइन योर ड्रीम्स। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि हम किस तरह से केवल 4 स्टेप्स फॉलो करके अपने बच्चों को एडिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा हमारा एडिशन का फर्स्ट स्टेप। हमें अपने बच्चों को सबसे पहले ऑब्जेक्ट के हेल्प से काउंटिंग सिखाना चाहिए। जैसे यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ किए गए हैं, इसे बच्चों को काउंटिंग करके नंबर्स में लिखना है। स्टार्टिंग में आप 1 से लेके 5 तक के नंबर प्रेफर करें, देन आप धीरे धीरे करके ऑब्जेक्ट्स की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर बच्चों को क्वांटिटी काउंट करके उसे नंबर्स में लिखना है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर 5, 1, 2, 3। सो इस तरह से आप बच्चों को सबसे पहले सिंगल लाइन ऑब्जेक्ट काउंटिंग थ्रू एडिशन सिखाएं, देन हम सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। एडिशन के सेकेंड स्टेप में हम बच्चों को ऑब्जेक्ट्स टू ग्रुप में डिवाइड करके देंगे और उन्हें काउंटिंग के लिए एंकरेज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आइसक्रीम की कुछ इमेजेस है जो 2 ग्रुप्स में डिवाइड है। 1 ग्रुप में 3 आइसक्रीम है और 2 ग्रुप में 2 आइसक्रीम है। तो बच्चों को हम सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप काउंटिंग करने के लिए कहेंगे 1, 2, 3 एंड सेकेंड ग्रुप 1, 2। अब हम उसे कहेंगे कि आपको सभी आइसक्रीम को एक साथ काउंट करके यहां पर लिखना है 1, 2, 3, 4, 5। सो बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर भी ऑब्जेक्ट के 2 ग्रुप्स हैं। फर्स्ट ग्रुप को हम काउंट कर लेंगे 1, 2 एंड सेकेंड ग्रुप में 1। अब सभी को एक साथ काउंट कर लेंगे 1, 2, 3 इस तरह से। तो ये रहा हमारा एडिशन का सेकंड स्टेप। ऑब्जेक्ट्स थ्रू एडिशन सिखाने के बाद हमारा थर्ड स्टेप आता है नंबर थ्रू। आप बिल्कुल इस तरह से नंबर थ्रू बच्चों को एडिशन सिखा सकते हैं। आपको क्या करना है, जो भी नंबर यहाँ पर लिखे गए हैं उतना आप बच्चों को या तो सर्कल करने के लिए कहें या तो स्टैंडिंग लाइन। जैसे कि यहाँ पर 2 नंबर है तो बच्चा 2 सर्कल करेगा। यहाँ पर 3 नंबर है तो 3 सर्कल 1, 2, 3। अभी सभी को काउंटिंग करके यहां पर लिख लेगा 1, 2, 3, 4, 5। सो आंसर इज 5। यहां पर भी ठीक इसी तरीके से है, 1 है तो 1 सर्कल, 5 नंबर है तो 5 सर्कल 1, 2, 3, 4, 5। अब सभी सर्कल को हम काउंटिंग करके यहां पर लिख लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो आंसर इज 6। या फिर आप इस तरह के सम्स को बच्चों को अलग तरीके से भी समझा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 है तो हम बच्चों से कहेंगे कि आपको 2 माइंड में रखना है और 1 फिंगर निकालते हुए आगे की काउंटिंग करनी है। तो 2 के बाद क्या आता है, 3। सो आंसर इज 3। सो बिल्कुल इस तरह से हम ये भी बच्चे को सिखा सकते हैं कि 4 नंबर आपको माइंड में रखना है और 3 फिंगर निकालना है और 4 के आगे नंबर काउंट करना है। तो 5, 6, 7। सो आंसर इज 7। एडिशन के फोर्थ स्टेप में आप बच्चों को नंबर लाइन के थ्रू एडिशन आसानी से सिखा सकते हैं। इस तरह के एडिशन में बच्चों को ना तो कोई नंबर माइंड में रखना है और ना ही फिंगर काउंटिंग करनी है। जस्ट उन्हें नंबर्स देखते हुए जंप करना है और उन्हें आंसर मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 3 नंबर है तो बच्चों को सबसे पहले 3 के पास जाना है और 2 जंप करना है 1, 2। आंसर मिल गया 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। ठीक इसी तरीके से हम ये वाला भी सम कर लेंगे। यहाँ पर 4 लिखा है तो बच्चों को सबसे पहले 4 के पास जाना है और कितना जंप करना है, 4। तो 1, 2, 3, 4। सो आंसर इज 8। इस तरह से आप नंबर लाइन थ्रू भी बच्चों को एडिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ये रहे एडिशन के 4 स्टेप्स। इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके आप बहुत ही आसानी से बच्चों को एडिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आई होप इससे आप सभी को काफी हेल्प मिली होगी। आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।